एस विवेकानंद संस्थान में आज टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया और इसमें विद्यार्थियों का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। लगभग 500 से ऊपर विद्यार्थी है या टेस्ट सीरीज वो दे रहे हैं और इसी क्रम में हम विद्यार्थियों से टेस्ट सीरीज का फीडबैक है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो हमारे सामने एक भैया खड़े हैं जो टेस्ट सीरीज लेकर के बाहर निकले हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपक सैनी है। दीपक सैनी साहब हैं वो टेस्ट सीरीज देकर के निकले हैं। दीपक सैनी साहब ये संगणक की कौन सी नंबर की टेस्ट सीरीज आज देकर के जा रहे हैं आप? सर ये पेपर नंबर 4 की है जो 3 पहले भी आयोजित हो चुकी है। अच्छा, इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहा है और कुछ बेहतर करने का प्रयास भी रहेगा। वेरी गुड। आपने टेस्ट सीरीज दी तो सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि टेस्ट सीरीज में प्रश्नों का स्तर जैसा होना चाहिए वैसा था या नहीं था? सर प्रश्नों का स्तर तो काफी अच्छा था और भी अच्छा होगा सर की वजह से। यदि और भी हम बेहतर प्रयास करेंगे और काफी अच्छा प्रदर्शन था। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि पेपर में जो क्वेश्चंस थे बड़े स्तरीय क्वेश्चंस थे। देखिए इसमें पूरा सिलेबस पेपर में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर बिल्कुल हो रहा है और धीरे धीरे आप भी प्रयास कर रहे हैं होने की और काफी अच्छे से और काफी अच्छे प्रश्न भी दे रहे हैं सर और काफी बेहतर प्रयास हो रहा है। बाकी विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी घर पे बैठे विद्यार्थी हैं उनको टेस्ट बिल्कुल देना जरूरी है। उससे क्या है आपका लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो और उससे इंक्रीजिंग लेवल ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेस्ट सीरीज देने से आपका जो ज्ञान का स्तर है उसमें वृद्धि होगी, निश्चित रूप से वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए जब तक हम पढ़ते रहते हैं और जब तक हम पेपर फेस नहीं करते तब तक हमारे को पता नहीं होती है कि हमारे को कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जब हम कोई सेम पैटर्न का पेपर है उसको फेस करते हैं तो हमारे को कहाँ प्रॉब्लम है, क्या किस टॉपिक में हमारी अभी कमजोरी है, इसका पता हमारे को लग जाता है और समय रहते हैं हम उस टॉपिक को सुधार सकते हैं, उस टॉपिक को अपन मजबूत कर सकते हैं और हमारी जो सफलता की संभावना है उसको हम और सुदृढ़ कर सकते हैं और पक्का कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको सैनी साहब। थैंक यू। ठीक है। टेस्ट सीरीज के फीडबैक के क्रम में हम दूसरे विद्यार्थी से बातचीत करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? मंथन शर्मा नाम है। मंथन शर्मा जी आपका नाम है। आपने आज एस विवेकानंद संस्थान में जो संगणक की टेस्ट सीरीज आयोजित हुई है उसमें आपने भाग लिया है। सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा है? हाँ, टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था सर। जैसा कि पेपर आ रहे आगामी वर्ष में ऐसा ही था और जो करंट में जो अभी जो चल रहा है सर ऐसे ही था स्टैंडर्ड। मतलब आपने ये महसूस किया कि जो पेपर का पैटर्न आजकल चल रहा है उसी पैटर्न पे ये टेस्ट सीरीज सेट की गई है। बहुत ही अच्छी बात है। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इसमें? हाँ सर, मैंने इसमें 70 से 75 क्वेश्चंस 70 से 75 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। उसमें कुछ गलत होने की संभावना भी है? हाँ, जो ऐसे गलत होने के थे उनको मैंने छोड़ दिया। 5-10 क्वेश्चन तो सर रहते ही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा मेहनत की और जरूरत है कि आपका जो लेवल है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि अपन को संगणक के लिए अपनी सीट को बिल्कुल निश्चित करना है तो 75% मार्क्स हम मान के चल रहे हैं, 72 से 75 के बीच में। तो आप लगभग बिल्कुल दौड़ में हैं, थोड़ी सी तैयारी को और मजबूत करें तो निश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं। बाकी विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज लीजिए और इसका बहुत आपको फायदा मिलेगा और बहुत उपयोगी है। अगर आप दूर भी बैठे हो तो आप ऑनलाइन में कोर्स ले सकते हैं और यहाँ पे आके आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं और इसका आपके जैसे एग्जाम जो आगामी एग्जाम होगी 3 तारीख को उसमें आपको काफी हेल्पफुल और फायदेमंद होगी। सबसे बड़ी लाभ जो मैं महसूस करता हूँ टेस्ट सीरीज का वो ये है, एक तो कि आपकी तैयारी का जायजा होता है वो तो है ही, दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो टेस्ट सीरीज आयोजित करवा रहे हैं उसका हम पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं और वो विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। और पेपर सॉल्यूशन में नहीं केवल हम ये नहीं कर रहे हैं कि ए में बी आएगा बी में सी आएगा, हम क्वेश्चंस का बड़े तरीके से बड़ा विस्तृत इसका विश्लेषण कर रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है और एक ही प्रश्न के साथ विद्यार्थी के 3-4 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी इस टेस्ट सीरीज की खासियत है वो मैं मानता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। थैंक यू। धन्यवाद।